हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो इन हिंदी में। दोस्तों, डीमेट अकाउंट के बारे में आज कौन नहीं जानता है। डीमेट अकाउंट ने शेयर ट्रेडिंग करना बहुत ज्यादा आसान बना दिया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि डीमेट अकाउंट के कुछ नुकसान भी होते हैं? जी हाँ, डीमेट अकाउंट के कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप बहुत सही जगह आ गए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डीमेट अकाउंट के नुकसान के बारे में। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें, ताकि आप ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट्स पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शेयर मार्केट में निवेश करना डेफिनेटली इजी हो गया है, समय के साथ, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ। आज डीमैट अकाउंट से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें पहले ऐसी थीं जिनमें समय लगता था, काफ़ी पैसा भी लगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। चीज़ें बहुत आसान बन गई हैं, लेकिन आपको हर सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना होगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको इन बातों को ज़रूर जानना चाहिए कि एक डीमैट अकाउंट के क्या नुकसान हो सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला नुकसान है, आपको तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, वर्तमान में सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि क्या आप टेक सेवी हैं या नहीं, यानी आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं कि नहीं, जैसे कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है या नहीं। तो कुछ लोग कहेंगे कि आज की दुनिया में टेक सेवी हर कोई बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ऑनेस्टली ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक लेवल के छोटे शहरों की बात करें या 50-60 की उम्र वाले बुजुर्ग लोगों की बात करें, तो ये उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अगर आप टेक सेवी नहीं हैं तो आपको बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। अगर आप बेसिक लेवल का काम, जैसे कि अपना पोर्टफोलियो भी चेक करना चाहते हैं, और अगर आप टेक सेवी नहीं हैं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ट्रेडिंग तो बहुत दूर की बात है। पहले के समय में शेयर्स फाइल्स में होते थे जिन्हें पहले संभाल कर रखना होता था, उनके अलग ही कुछ नुकसान थे। लेकिन अगर वर्तमान में आप शेयर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक सेवी बनना होगा। दूसरा जो डीमैट अकाउंट का नुकसान है वह है हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग। पहले के समय में निवेश करने में समय लगता था, क्योंकि प्रत्येक कंपनी के शेयर्स की फाइल बनती थी। लेकिन वर्तमान में आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के सामने हर तरह का अपडेट होगा, जैसे मार्केट कहाँ चल रही है, सारे चार्ट अवेलेबल रहेंगे, हर तरह का एनालिसिस सामने रहेगा, जिससे एक ट्रेडर या इन्वेस्टर के अंदर इम्पेशेंस आता है। दूसरे शब्दों में कहें कि एक प्रकार का एडिक्शन आता है, जिससे वो लोग रोक नहीं पाते अपने आप को ट्रेड करने से। उससे होता यह है कि उनका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था ट्रेड करने का, लेकिन ट्रेड करना इतना आसान हो गया है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाए, और जब उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है तो उनका समय के साथ ट्रेडिंग में जो इंटरेस्ट है वो भी समाप्त हो जाता है। ये चीज़ इंडस्ट्री के लिए भी सही नहीं है। तीसरा जो डीमैट अकाउंट का नुकसान है वह है एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया है तो आपको एनुअली अपने ब्रोकर को AMC देना होगा, चाहे आप ट्रेड करें या ना करें। यह सामान्यतः 300 रुपये से लेकर 800 रुपये तक के आसपास भी हो सकता है। यह रिकरिंग नेचर का होता है, मीन्स आपको हर साल अपने ब्रोकर को AMC देना होगा। बहुत से लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे कि कई बार उनका कमाया हुआ प्रॉफिट कम हो जाता है। चौथा जो डीमैट अकाउंट का नुकसान यह है कि आपको अपने डीमैट अकाउंट का रेगुलर सुपरविज़न रखना होगा। अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप तो ऑनलाइन हो चुके हो, लेकिन जो आपका ब्रोकर है, जिसके पास आपने अपना डीमैट अकाउंट खोला हुआ है, वो भी ऑनलाइन है, उसके पास भी आपके सारे अकाउंट्स की डिटेल है। हालांकि ये डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आज के समय में किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सो आपको कंसिस्टेंटली हर हफ्ते या 15 दिन में अपने अकाउंट का सुपरविज़न करते रहना है, उसको चेक करते रहना है, जैसे कि अपने शेयर्स का, अपने फंड्स का, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है।
तो ये थे डीमैट अकाउंट के कुछ नुकसान। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।